बैलेंस कैसे बना लेते हो भाई? बैलेंस कैसे बना लेते हो? समय बहुत बच जाता है ना, है? अब वो नहीं है जो पुली पे ऐसे रस्सी करके ऊपर ईटा करते हैं। क्या किया? अच्छा, वो ज्यादा ऊंची इमारतों के लिए। पूरे ईंटे ऐसे ही डालोगे क्या? मतलब वो जो वहाँ जो ईंटे रखे सब ऐसे ही ऊपर जाएंगे? मैं बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तेरी। 1000 1000 ईंटे होंगे? हाँ होंगे यार। 1000 ऐसे उठा के फेंका? हेलो, दिस इज मी अभिनव कुमार श्रीवास्तव। और आई वॉज ऑन इवनिंग वॉक, तो मैंने देखा कि ये मजदूर बिना रोप बिना पुली की मदद से इतने भारी ईंटें ऊपर फेंक रहे हैं। आई इनिशियली स्टार्टेड रिकॉर्डिंग देयर कैप्शन एंड आई डोंट थिंक सो दे आर इन अ कैपेबिलिटी टू इंटरव्यू, ओनली वी हैव टू इन्फर इट। आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ आई विल सब्सटेंशिएट दिस वीडियो पोस्टुलेट इन माई केस स्टडी और क्लासरूम स्टडी। पर देखिए, अगर पुली का एस्टेब्लिशमेंट होता तो इट वुड हैव टेकन मिनिमम एडिशनल कॉस्ट ऑफ 5 to 10,000 INR, बिकॉज उनकी एम्बेसमेंट पिलर में उनको डालना, लूप होल्स में लाना। और इनका कहना भी सही है कि वहाँ जहाँ दूर पे ईंटे पड़े हुए हैं, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं जाऊँगा, सामने जहाँ लाल ईंटे का बंच पड़ा है और उसके पीछे रोड के उस पार कार के पीछे भी लाल ईंटे का बंच है जो कि धीरे धीरे ये लेके आ रहे हैं। सो दिस इज बिंग ट्रांसफर्ड एट दिस लोकेशन वेयर दिस वर्क्समैन आर बिंग आर स्टैंडिंग इन लियू। अब ये सीमेंट उठा के देखो क्या कर रहे हैं। सो देर इज अ टर्म कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्क, बट व्हाट आई फील दिस इज मेकनाइजेशन ऑफ ह्यूमन मैन पावर विदाउट एनी हेल्प ऑफ मशीनरी। एटलीस्ट अगर सबवेज में या लोअर हाइट्स के कंस्ट्रक्शन में
इस तरह की कॉस्ट कर्टेलिंग होती, और मेरे हिसाब से अगर इनके जैसे दो मजदूर भी 120 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, मैं डायरेक्टली उन्हीं की तरफ कैमरा करके फोकस खुद को बोल रहा हूँ इसलिए, बिकॉज टू लुक एट माई फेस इज़ नॉट मच नेसेसरी, तो अगर इनके जैसे दो मजदूर भी पर डे काम करें तो प्रेजेंट जो नरेगा का रेट है दैट 120 रुपीज़ पर डे, तो अगर 120 रुपीज़ पर डे करके ये ऐसा एक भी गेट बना देते हैं, देन दे आर गोइंग टू सेव अ मिनिमम ऑफ 10,000 INR, दैट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ऑफ पुली एंड द लीवर, जो कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है, प्लस उसको हैंडलिंग के लिए भी मिनिमम 3 से 4 लोगों की ज़रूरत है, और यहाँ ये 2 लोग ही काफ़ी हैं, तो जो पुली एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट है ना सिर्फ वो बचा, बल्कि उसको हैंडल करने के लिए जो मैन पावर की कॉस्ट होती थी वो भी बची, तो दिस थिंग शुड बी इनकरेज, बट डेफिनेटली दिस इज़ वेरी रिस्की, ईंटा उस बेचारे मजदूर के सिर पे भी लग सकता है, ईंटा गिर भी सकता है, उन्होंने उनमें से कई ने जूते नहीं पहने हुए हैं, कई के हाथ में ग्लव्स नहीं है, बट डेफिनेटली विथ प्रॉक्टर्ड, अब देखिए वो कितनी आसानी से ईंटा कलेक्ट करने के बाद उसकी पेस्टिंग भी किए जा रहा है मजदूर, डेफिनेटली विथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, आइदर इट्स हेलमेट और इट्स रफ बूट्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैज़ टू बी एक्स्ट्रा पर्क, बेनिफिट मस्ट बी गिवन टू दिस लेबर्स, क्योंकि मैं तो सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, पर दिस इज आई डोंट थिंक सो दिस इज साइंटिफिकली रिकमेंडेबल, चोट लग सकती है, बट दे आर टेकिंग हाई रिस्क, ऊपर से वो लकड़ी के तख्ते के ऊपर है, दिस वॉज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ फिटिंग बिटवीन शॉकेट एंड द बॉल, जस्ट लाइक इन बिटवीन शॉकेट एंड द बॉल, कि हाउ ब्रिलियंटली दे हैव कोऑर्डिनेटेड टू अपलिव दिस मोर देन 1,000, खुद उसने कहा कि 1,000 ईंटें मेरे सामने ही, उसने लगभग 40-45 ईंटें 3-4 मिनट में ऊपर पहुँचा है, और रोड के उस तरफ भी इस तरफ भी थोड़े से ईंटें बचे हैं, उस रोड के उस पार, जब मैं जूम करके देखूंगा, आई डोंट थिंक सो जूम की फैसिलिटी है, पता नहीं, रोड के उस पार कार के उस तरफ भी ईंटें हैं, वो भी ऊपर आएंगे और वन फ्लीट ऊपर, सो डेफिनेटली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट कर्टेलिंग कैन बी डन इफ द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर must be utilized properly with security aid protocols, with scientific recommendation and with balanced and fair contrast of work. And these things must be a part of policy making. केवल कहने से कि workers participation in management in policy making ये होना चाहिए, प्रीवी मिलना चाहिए, perks मिलने चाहिए, ऐसा है वैसा है, but what brilliantly these two people have established the harmonic rhythm between their work. This thing should be in particular workers' participation in management in policy making. और अभी IIM रांची का एक पेपर मेरे सामने आया, जो कि मैं अपने PhD thesis defense के लियू में लिखूंगा अभी, जहां पे एक structured, non-structured innovation में जुगाड़ technology, JUGAAD, जुगाड़, that is called arrangement. जुगाड़ टेक्नोलॉजी को भी अब IIMs रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसलिए बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ मैनुअल फॉर मशीनरीज टू वर्क, बट देर इज़ नो परफेक्ट मैनुअल फॉर ह्यूमंस टू वर्क. वंस माय PhD थीसिस सुपरवाइजर सर प्रोफेसर NC पहाड़िया सर हैज़ टोल्ड, इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू मेक अ कोरिलेशन बिटवीन न्यू पीपल एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड पीपल, बट सी विद गोइंग टाइम विद days moving ahead, the technology is so swift, so cheaper, but still they are using the conservative technology. देखो ईंटें भी तोड़ रहा है वो. So with this I switch off and wind up my caption review. I this recording can give me a lot to infer for my PhD research work. और ये तो बिल्कुल सही है कि ये जो मजदूर सीमेंट लेके जा रहा है, this is a part of transportation done by humans. But what that has done, that is a absolute brilliant balance between two people of load, effort and fulcrum to make a work done scientifically in stipulated time or less than the stipulated time with economic feasibility. And definitely, yes, risk to hai, maine kaha. Risk ko dur karne ke liye, let me think on. Okay, with this, I wind up my caption review. Satyamev Jayate, Jai Hind, Jai Bharat. Yeah, I mean.